पिंडारी गांव निवासी 32 वर्षीय महिला ने अपनी 3 साल की पुत्री को गोदी में लेकर शनिवार तड़के ट्रेन के सामने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पति ने बताया कि रात के समय परिवार के लोग घर की छत पर सो रहे थे। सुबह नींद खुली तो अंजना और 3 साल की पुत्री अंशिका नहीं थी। दोनों की तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने बताया कि महिला 3 साल से मानसिक रूप से बीमार रहती थी। उसका ग्वालियर में इलाज चल रहा था। रात के समय छत पर परिवार वालों के साथ महिला भी सो रही थी, तभी किसी समय उठकर घर के बाहर निकल गई। परिवार वालों को सुबह उसके ना होने की जानकारी हो सकी। शनिवार सुबह 9 बजे थाना क्षेत्र एट के पुराना व पिंडारी रेलवे क्रॉसिंग के बीच गेट संख्या 166 के पास एक महिला और मासूम बच्ची का शव रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को दी। महिला की शिनाख्त पिंडारी निवासी अंजना पत्नी केशव राजपूत व 3 साल की पुत्री अंशिका के रूप में हुई। पति ने बताया कि रात के समय परिवार के लोग घर की छत पर सो रहे थे। सुबह नींद खुली तो अंजना और 3 साल की पुत्री अंशिका नहीं थी। दोनों की तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। थाना एट को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात महिला एक बच्ची के साथ रेलवे लाइन पर कटी पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची तो उसके पति ने आकर पहचान कर लिया कि यह उसकी पत्नी है, जो ग्राम पिंडारी की रहने वाली अंजना राजपूत है। पति के नाम केशव राजपूत है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। फील्ड यूनिट FSL की टीम बुलाई गई थी। सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के घर वालों को भी सूचना दी गई है। गहराई से जांच की जाएगी, विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर कुछ क्या एंगल निकल के आया है, क्या वजह से घटना की है? कुछ पारिवारिक क्लेश ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन अभी प्राथमिक स्टेज है, गंभीरता से इसकी जांच की जाएगी।